अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टेली के इस वीडियो सीरीज में आज हम बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाषा और साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैली सिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और हमने टैली सिखाने के लिए कितने लेवल्स बनाए हैं। जो लोग टैली सीखना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें मालूम है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पर क्या आप जानते हैं अकाउंटिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या लाभ हैं इत्यादि? शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं, इसलिए हम टैली सिखाना शुरू करने से पहले प्रारंभ की कुछ वीडियोस में बहुत ही सरल तरीके से अकाउंटिंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो हमें टैली सिखाने के लिए आवश्यक लगी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से टैली में काम करने के लिए ये जरूरी भी है। कहते हैं ना, फाउंडेशन यानी नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। चलिए पहले समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेनदेन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने, सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरण यानी रिपोर्ट तैयार करने और उनका एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं। हम इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे। यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्यापार यानी ट्रेड क्या है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं पेशा यानी प्रोफेशन क्या है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए काम पेशा कहलाते हैं। अगली टर्म है व्यवसाय यानी बिजनेस। ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन, कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। क्योंकि ये मुद्रा से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब समझते हैं माल यानी गुड्स किसको कहते हैं। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज उन व्यापारियों के लिए माल है। अगली टर्म है क्रय यानी परचेज। पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है।
व्यापार में माल को नकद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे कैश परचेस या क्रेडिट परचेस कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तुएं खरीदता है तो वो खरीदी परचेस नहीं कहलाएगी। जैसे यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह परचेस के अंतर्गत आएगा, पर यदि वो अपनी दुकान के संचालन के लिए कंप्यूटर खरीदता है तो ये परचेस के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये कंप्यूटर अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। विक्रय यानी सेल्स। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो ये सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नकद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा व्यापार जिन वस्तुओं या सेवाओं का है उनके अलावा जो भी बेचा जाता है वो सेल्स या विक्रय नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचेंगे तो इसे सेल्स कहा जाएगा, लेकिन यदि आप अपने शोरूम का पुराना फर्नीचर बेचते हैं तो ये सेल्स नहीं कहलाएगा। अगली टर्म है राजस्व यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है, साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते हैं। आय यानी इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जैसे आपने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका किराया, या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। अगली टर्म जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्यय यानी एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसका खर्च, उसे अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए गाड़ी भाड़ा देते हैं, तो ये सब खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे क्योंकि वे कपड़े को बेचने योग्य बनाने में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरह का व्यय है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, डेप्रिसिएशन इत्यादि। अगली टर्म है इंटरेस्ट यानी ब्याज।
व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं, तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, जिसे ब्याज कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं, तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा, तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। फिर है छूट यानी डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है, तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। यह डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है। पहला है व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल की राशि में से कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। प्रायः ये छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। दूसरा है नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे, तो उसे कुछ छूट दी जाती है, जिसे कैश डिस्काउंट यानी CD भी कहा जाता है। प्रायः यह डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% कैश डिस्काउंट या 3% कैश डिस्काउंट इत्यादि। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब आता है कमीशन। जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने, जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी तनख्वाह के साथ इस तरह का कमीशन देता है। यह पारिश्रमिक साधारणतया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है, पर कभी कभी यह निश्चित राशि में भी दिया जा सकता है। अगली टर्म है सेवा यानी सर्विस। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये उसके द्वारा दी गई सेवाएं हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपने यहाँ AC ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई सर्विस ही है। ग्राहक यानी कस्टमर। हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। विक्रेता यानी सप्लायर। हम जिससे माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। ये तो हुई कुछ ऐसी टर्म्स जिनसे हमारा वास्ता बार बार पड़ेगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और इसके अलावा कुछ अन्य परिभाषाएं।